तो यहाँ पे हमारा टीवी स्टार्ट हो गया। अभी ये पॉपअप मैसेज जो आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने इसमें एक पेन ड्राइव लगाई हुई है, तो इसमें पूछ रहा है कि आपको मीडिया सेंटर में जाना है कि नहीं जाना है। तो या तो आप अपने मोबाइल से कैंसिल करें, नहीं तो थोड़ी देर बाद ही अपने आप कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अभी तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि स्क्रीन मिररिंग का क्या है, इसमें आप कैसे मिरर कास्ट या फिर स्क्रीन मिरर कर सकते हो अपनी मोबाइल की टीवी के साथ। तो सबसे पहले इसमें आपको ये करना होगा कि आप किसी दूसरे सोर्स से, लाइक अभी मैंने जो यूज़ किया है कि एक दूसरा मोबाइल यूज़ किया जिस पे हॉटस्पॉट मैंने ऑन किया है, तो उसी का नेटवर्क मैं इस टीवी में यूज़ कर रहा हूँ और उसी का नेटवर्क मुझे अपने उस मोबाइल पे यूज़ करना होगा जिसको कि मुझे मिरर करना है। तो उसके लिए, लेकिन सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि MI Canvas Plus के नाम से आपको ऐप स्टोर में मिल जाएगी। देखिए इसमें यही पूछ रहा है, शायद थोड़ी स्क्रीन ब्लर है, ऑटो फोकस का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, अब आ गया, ठीक। तो इसको आप कंफर्म कीजिए और इसमें आपको वही नेटवर्क यूज़ करना है। यहाँ से आप वाईफाई ऑन कीजिए जो कि आपका वहाँ से कनेक्ट है। तो मेरा अभी इससे कनेक्ट हो चुका है, तो आपकी स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी। हाँ, तो इसमें अभी दो ऑप्शन है एक्चुअली। इसमें एक रिमोट कंट्रोल भी आप इस मिररकास्ट से यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, और एक है मिररिंग। तो मैं पहले आपको मिररिंग दिखा देता हूँ। इसमें मिररिंग में जाके आपको ये देखिए, अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, अब मिरर करूँगा, अब ये चल जाएगा। वहाँ से आपको उसे ऑन करना है, उसके बाद यहाँ से मिरर स्टार्ट हो गया। तो स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, चलो मैं अभी एक और चीज़ बता देता हूँ। इसमें जो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल के क्या फंक्शंस हैं। इसको मैंने प्रेस किया रिमोट, इसमें आप टच यूज़ करेंगे, ये देखिए। अभी इस थोड़ा सा ये लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आप अगर इसको यूज़ करेंगे, एक्चुअली ये लाइट का सोर्स पीछे ज़्यादा है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बट एनीवे, इसमें चार ऑप्शंस हैं, आप ऐसे देख सकते हो। अभी देखिए इसमें चार ऑप्शन है, कीस, टच और आपका माउस और एयर माउस। तो ये प्रॉपरली ऐसे ही वर्क करेगा आपका जो इसमें लिखा है। देखिए माउस वाला जो है, अभी मैं टच पे हूँ, तो आप टच करके चलाएंगे तो ऐसे चलेगा आपके स्क्रीन पे। सेम है माउस जो कि आप नॉर्मल अपना माउस यूज़ करते हो, अगर स्क्रीन पे देख सकते हो आप। देखिए मैं इस वक्त माउस यूज़ कर रहा हूँ, और इसके बाद है इसमें है एयर माउस। एयर माउस से फिर आप सिर्फ मोबाइल को आपको मूव करना है, ये देखिए देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन मिररकास्ट। इसमें चलता है या नहीं चलता, चलता है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है कि नहीं है। नहीं है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें, नहीं है। आपको ब्लूटूथ डोंगल लेना पड़ेगा अगर अपने स्पीकर उसमें कनेक्ट करने हैं। इसमें एंड्रॉयड अभी ये नॉगेट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इसमें इसकी स्टोरेज है 8 GB। अभी क्वेश्चन था कि इसमें स्टोरेज कितनी है, बिकॉज फ्लिपकार्ट पे जो मेंशन नहीं है शायद, या फिर वो शायद 5 GB था जब मैंने देखा था लास्ट टाइम। तो 8 GB इसमें इंटरनल मेमोरी है और इसमें 1 GB की रैम है। यूट्यूब में मैं आपको 4K वीडियो एक रन करके दिखा देता हूँ, जिसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन हैं कि 4K वीडियो इसमें रन करता है कि नहीं करता है। देखिए मैंने एक LG का वीडियो है, इसमें इसमें रन किया है, तो आप क्वालिटी देख सकते हो इसके अंदर। आई मीन मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए आप इसकी क्वालिटी। सो क्वालिटी तो एक्सेलेंट है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। एज ए टीवी ये बहुत बढ़िया टीवी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, साउंड अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। और माइक्रोमैक्स मुझे इसके लिए कोई पे नहीं करता है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। थॉमसन मैंने लिया था, अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए मैंने कहा लोगों को कि उसका उसकी सॉफ्टवेयर थोड़ा ठीक था, उसमें आप स्क्रीन शेयर बड़ी इजीली कर सकते हो, कुछ और भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर स्क्रीन पे देखने का मज़ा नहीं आ रहा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है।